سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنان अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज नाल दुरूद शरीफ पढ़ो हुजूर दी जात ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद इंतहाई काबिल सर इहतराम आलिमे बामल पैकर अखलास बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक कश्मीरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अश्ते अश्ते तशरीफ फरमा दीगर मुअज्जज़ मोहतरम हजरात उलमाए किराम वाजिबुल इहतराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज भाइयों बिरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद हसन साहेब हाफिज मोहम्मद जाहिद साहेब भाई अब्दुल रहमान साहेब भाई अबू बकर साहेब इन्हां दी और इन्हां दे रफका दी प्यार करी और खलूस दावत ते दीन दी निस्बत नाल तकरीबन 17-18 साल बाद फिर जिंदगी अल्लाह ने मैनू इस मस्जिद इस पिंड में हाजरी का मौका बख्शे दुआ करो अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमा के दोनों जहान कामयाबी का सबब फरमाए और इस मरहूम वास्ते असीं सारे जमा हुए जिन्हों के इशार वास्ते हाफिज मोहम्मद यासीन दुआ करो कि अल्लाह उन्होंने दर्जात को बुलंद फरमाए आमीन ना कहना कि तेरे दुआ लग ना जाए अल्लाह उन्होंने कबर को जन्नत के बाग बनाए और सानू भी मरण तो पहला पहला मरण की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए जिन्हें भी बैठोगे ज्यादा लंबा बाज नहीं होना मैं भी नीयत कर लेना तुम नीयत कर लो कि अल्लाह साढ़े सुभान अल्लाह का सवाब दरूद पाक का सवाब बैठन का सवाब पुराने करीम की तिलावत का सवाब हुजूर की शान जो कुछ भी असं नहीं करते हैं सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हाफिज साहब मरहूम समेत मेरे वालदैन समेत इन्होंने मां बाप रिश्तेदार भैन भाई फौत हो गए अल्लाह सब दियां कब्रां नूं नूर नाल रोशन फरमाए मेरे तो कबल यकीन हजरत कश्मीरी साहब ने और दीगर उलमा ने बड़ा खूबसूरत वाज फरमाया होगा मैं तालिब इल्म हां उलमा दा खादिम हां मेरी एक मजबूरी है जरा मजमा सुभान अल्लाह दा कवे मैं तकलीफ भुल जाती बात मजमे इंजे होंगे कि मजमा बोल पवे तो मौलवी साहब तकलीफ भुल जाती है मेरे सामने कोई ना बोले तो मैं भुल जाती बड़े मेरी मजबूरी है मेरी कमजोरी का ख्याल रखना मेरे नारियां की लोड़ कोई नहीं ना मैं नारियां का शौक है ना मैं नारे सुन के गुस्सा करना बात मौलवी नारे सुन के अपने बाहर हो जाता ना तो बाद कहने यार मैं कोई गल नहीं करनी चाहिए हूँ पिछे कोई भी नहीं आया समझियो ये हजरत कश्मीरी साहब तजर्बा रखते ने कमे भुगतनी होती तुम नारे बनवाते हो फिर मौलवी बनवाते हो
इस बात से हम सियाने हो गए, नारे की कोई लोड़ नहीं, नारा मैदान जहाज चाहिए, सिर्फ इतने सुभान अल्लाह इन उची कहो कि मैं पता चल रहा है सारे जाग रहे हैं, सारे के कान ठीक ने सुनते हैं, सब दिया दबाना ठीक ने बोलते हैं, अजय भी वो आवाज नहीं है कि आने चाहिए मैं सुभान अल्लाह करवानी होगी है या अल्लाह जेड़े बंदे पूरा दिल ला के उची सुभान अल्लाह आखन आज रात ख्वाब अपने महबूब का दीदार अता फरमा दिया। देखिए लालच कितने बोल पे और अच्छा लालच। और याद रखो ख्वाब हुजूर ने कले नहीं होना, जरा सिद्दीक मेरे आका बाजार कला नहीं छड़ता, कार कला नहीं छड़ता, मजार कला नहीं छड़ता, वो ख्वाब भाई एक बंदा जकात का
خلیفہ
अल्लाह ने मशवरा किया फरिश्तों से अपना खलीफा बनाने लगा। अल्लाह के रसूल नहीं आख्या, नबी नहीं आख्या, खलीफा आख्या। क्यों? अल्लाह को पता सी ना कि नबी भी मान लेंगे, रसूल भी मान लेंगे, अड़न के खलीफे थे। ये उतड़ो तो गल है जिद खलीफे के कारण तमाम जमीन पे खलीफा बनाने लगा। लंबा वाक्य फरिश्ते करना बनाए करेगा ये करेगा। अल्लाह ने बना चढ़िया फरमाया भी भाई जो कुलटा ले मलाई कतिश जदूर आदम मेरे आदम भी करे आजे सिद्धा करो सारे झुक गए इल्ला इब्लीस उन्हें कहा मैं नहीं करना। अब आवाज तक पर और कान मेरा काफी और अपने का फाखरो निकल मेरे दरबार में चू रब ने कड़िया जाता होया पीछे मुड़ के कहते अल्लाह इनिया तनिया इबादत की ने सुने तो सिला जाया नहीं करता ते मैं तो जब्बे जब्बे तो सहीदा कीते मेनू कुछ दे। अच्छा शैतान हो के पता ओनू की है जे मंगना है ते रब तो ही मंगना है। सुभान अल्लाह वो फिर भी रब को मांग रहे हैं। वो शैतान हो के भी रब को मांग रहे हैं। असि इंसान हो के ही कह रहे हैं साडी नहीं सुनदा। अल्लाह क्या मांग ये कह के मैं दे ये कह कि तेरी चॉइस के मुताबिक दे उन्होंने कहा अल्लाह।
मेरा मां